हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पॉवर्टी लेसन 7 चल रहा है और जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसकी पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए, यानी कि कौन सी योजनाएँ चलाई, उन्होंने क्या उसको दूर करने के उपाय किए, उसे पढ़ेंगे आज। और उसको हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। देखिए, दो तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में किसी न किसी तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है। ये 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जो भी है, कैसे भी है, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा, ये बात पक्की है। तो इसलिए बड़े ध्यान से इसे पढ़ना है। दूसरी बात, इसमें जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि जिस तरह से कहीं पर हिंदी में, कहीं पर इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है, उसी तरह से वो योजनाएं हैं, तो उनको उसी तरीके से पढ़ना है। उनको अपनी तरफ से उनके नाम नहीं चेंज करने हैं, उसको उसी तरीके से पढ़ना है जैसे वो योजनाएँ थी, क्योंकि वो योजनाएँ पहले चल चुकी हैं और उसी नाम से चली हुई हैं, इसलिए हमें उन्हीं नामों से उन्हें याद रखना है। तीसरी बात, इसमें ये कब लॉन्च हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन सी योजनाएं मिला करके कौन सी योजना बनाई गई, और ये भी इसमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हर योजना का एक शॉर्ट तरीके से आप इसे याद कर लेंगे तो ये बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये 12 प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, 12 योजनाएँ हैं, और 12 योजनाएं हमें आज ही वीडियो में पढ़नी है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आज ही इसे हम फिनिश कर लेंगे। 12 की 12 योजनाएं पढ़नी है, ये चाहे एनसीईआरटी में देखें, चाहे आप किसी और दूसरी बुक में देखें, 12 योजनाएं दी गई हैं, तो ये ही आपको पढ़नी है। इसमें फर्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पहला नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। To remove poverty from rural area, it was launched in April 1999. देखो, सारी योजनाएं मोस्टली क्या हैं, ग्रामीण एरिया के लिए बनी हैं, ग्रामीण लोगों के की पॉवर्टी को दूर करने के लिए या ग्रामीण लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए ही ये सारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी योजनाएं बनाई। और ये जो फर्स्ट है SGSY, ये कब लॉन्च हुई थी, अप्रैल 1991 में लॉन्च हुई थी। ये 2 योजनाओं को मिला करके बनाई गई थी। इसमें एक है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जो इस नाम से पहले ये योजना चल रही थी वो भी रूरल ग्रामीण लोगों के लिए थी। और दूसरी ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड विडोज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरी योजना इस नाम से चल रही थी, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती थी किसको, रूरल यूथ को, ग्रामीण गांव के युवा लोगों को और विडोज को, जिनके, विडोज का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसी लेडीज जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं और उनको रोजगार की समस्या हो जाती है, तो उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी जाती थी पहले। तो उन दोनों योजनाओं को IRDP और TRYSEM, तो ये इन दोनों योजनाओं को मिला करके, रिप्लेस करके एक योजना बनाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब दूसरी योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखिए, दूसरा लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, जीवन यापन करना। तो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से ही योजना बनाई गई, NRLM के नाम से नोन है, इसको आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया लाइवलीहुड इसका मतलब है, ऐसे याद कर लेंगे आप, ये लाइवलीहुड का मीनिंग होता है आजीविका, इस तरह से आपको याद रहेगा। तो नोन एज आजीविका, आजीविका के नाम से इसे जाना गया। इसमें 3 भागों में से डिवाइड कर दिया गया। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 150 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया, और स्टार्ट कब कर की गई, 2012 में, 2012-13
2012-13 में जब स्टार्ट की गई तो पहले वर्ष में इसमें 150 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, उन्हें आजीविका देने का प्रोग्राम चलाया गया। दूसरा फिर 14-15, देखो 12-13 हो गया, उसके बाद 14-15 याद रहेंगे, तो सीरियल मतलब वन बाई वन है। तो 14-15 में फिर बाकी आगे के 150 डिस्ट्रिक्ट फिर शामिल किए गए, पूरी कंट्री के 150, क्योंकि सारी योजनाएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं याद रखें, तो इसलिए ये 150 डिस्ट्रिक्ट्स और शामिल किए गए ऑल ओवर कंट्री के 14-15 में। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ 16-17, अब 16-17, 13-14, 12-13, 14-15 और 16-17, 16-17 में एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में इसे एक्सटेंड कर दिया गया, फैला दिया गया, पूरा कर सब जगह के शामिल कर दिए गए। तो इस योजना में आजीविका देने का काम किया गया, लोगों को रोजगार देने का काम किया, सबका लक्ष्य एक ही था, लोगों को रोजगार देना और उनकी गरीबी को दूर करना। तो इस योजना में ये रही कंडीशन इसकी। तीसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तीसरी चलाई गई फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। इट वॉज लॉन्च इन 1 सितंबर 2001, इसे 1 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया। ये हुई थी अप्रैल 1999 को। तो जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है इसको 1 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया, और ये भी दो योजनाओं को रिप्लेस करके बनाई गई, जो पहले से चल रही थी, उससे पहले से दो योजनाएं वो चल रही थी, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये दो चल रही थी, इन दोनों को रिप्लेस करके ये बनाई गई SGRY, जिसे बोलेंगे हम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखिए, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पहला तो इसका ये था कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल्स, ग्रामीणों को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज देना, अवसर प्रदान करना, और दूसरा था टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, यानी कि जो क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, क्षेत्रीय का मतलब होता है किसी एरिया की विशेष की, जहां गरीबी ज़्यादा है उस एरिया की जो आर्थिक, यानी कि जो रुपए पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल, सामाजिक, समाज में वहां क्या है क्या नहीं है, तो सामाजिक स्थिति के विकास के लिए इसमें काम किया गया, फोकस किया गया डेवलपमेंट के लिए, उस आर्थिक और सामाजिक स्थिति के डेवलपमेंट के लिए इसमें काम किया गया। तीसरा टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टारगेट, अच्छा इसमें तीसरा काम क्या किया गया, फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि किसी भी गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वहां इलेक्ट्रिसिटी ठीक होनी चाहिए, वहां की रोड ठीक होनी चाहिए, वहां पर हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल होने चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। एंड टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैंडेज, और इस योजना का जो टारगेट था अपनी योजना में, जब तक ये योजना चली तब तक उसमें एक मतलब 100 करोड़ मैंडेज क्रिएट करने का। अब मैंडेज क्या होता है ध्यान रखें, मैंडेज का मतलब होता है कि एक मैंडे का मतलब है कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे का वर्क किसी को देना, प्रोवाइड करना, एक मैंडे कहलाता है। अब एक व्यक्ति 8 घंटे माना गया, गवर्नमेंट की तरफ से माना गया कि वो 8 घंटे काम करेगा, तो 8 घंटे का एक मैंडे होता है, तो 8 घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है। तो 100 करोड़ मैंडे क्रिएट करने का इसका लक्ष्य रखा गया। अब चौथी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इट वॉज लॉन्च इन 2001, ये भी 2001 में लॉन्च की गई, टू इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल,
इसमें भी रूरल पीपल्स गांव के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए यह योजना चलाई गई बाय डेवलपिंग द 5 एरियाज। इसमें 5 एरियाज निर्धारित कर दिए गए कि उन 5 एरियाज पर वर्क करना है, गवर्नमेंट को उन 5 चीज़ों पर फोकस करना है जिससे कि गरीबों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अप हो जाए। वो था हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया मिले उन्हें। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी मिले, उसके लिए स्कूल्स वगैरह बनाए जाएं, हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स गांव में होते हैं उस तरह के हॉस्पिटल गवर्नमेंट के वो बनाए जाएं। तीसरा, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की सुविधा प्रदान की जाए, पाइपलाइन वगैरह जो भी सुविधा गांव में चाहिए वो की जाए, या हैंडपम्प जहां हो सकते हैं वहां हैंडपम्प, जहां नहीं होते वहां जो हिली एरिया है वहां पाइपलाइन जाए। और हाउसिंग, घर प्रोवाइड किए जाएं, घर के लिए मतलब उन्हें सहायता दी जाए, जो उनकी मनी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और रोड बनाई जाए। ये 5 चीज़ें, 5 चीज़ों पर फोकस किया गया, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड। ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत ईजी हैं सब सारी चीज़ें। उसके बाद 5वीं योजना जो चलाई गई वो है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, JPRGY, जयप्रकाश रोजगार ग्रामीण योजना। द स्कीम प्रोवाइडेड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ये उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनाया गया, पूरे इंडिया के उन जिलों के लिए बनाया गया जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, जैसे आदिवासी एरिया के या बहुत ज़्यादा हिली एरिया के। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की योजना बनाएगी कि गारंटीड उनको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, उनको रोज़गार देना है जिससे कि वो उनकी जो दयनीय स्थिति है उसके उसको ठीक किया जा सके। तो उस योजना को कहा गया जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आगे के बाकी के जो योजनाएं हैं उसे पढ़ाते हैं। चलिए 6 पॉइंट पढ़ते हैं इसका। 6 पॉइंट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब ये शहर के लिए आ गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 दिसंबर 1997 में 1 दिसंबर को ये योजना लॉन्च की गई, और इट रिप्लेस्ड इन प्लेस टू, ये भी 2 की जगह पर 2 को बंद करके एक योजना ये चलाई गई। वो 2 जो रिप्लेस हुई वो योजनाएं कौन सी थी, पहली एक तो थी इनमें से नेहरू रोजगार योजना, और दूसरी थी प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये 2 योजनाओं को बंद करके एक योजना बनाई गई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इसमें 2 प्रोग्राम इंक्लूड किए गए, 2 प्रोग्राम इसमें खास रखे गए जिन पर फोकस करना था। इसमें फर्स्ट था वो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, USEP, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो अर्बन यानी कि शहर के लोग हैं उनके लिए स्वरोज उनके अपने रोजगार को स्वरोजगार के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना। और दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और जो शहर के लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिन जो अपना रोजगार नहीं खोल सकते हैं उनके लिए वेज मजदूरी पर रोजगार प्रोवाइड करने की व्यवस्था, जो भी रोजगार प्रोवाइड हो सके उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना, UWEP। तो ये 2 प्रोग्राम पर विशेष इसमें फोकस किया गया। और उसके बाद 7th प्रोग्राम, गरीबी को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, 7th प्रोग्राम था
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। अब ये किसके लिए? एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित रोजगार के संबंधित में था, ये संबंध में था कि जो शिक्षित लोग हैं उन्हें रोजगार मिले। प्रोवाइड लोन, कैसे रोजगार, उसके लिए सहायता कैसे होगी उनकी, कि प्रोवाइड लोन अप टू 1 लाख फॉर द ओपनिंग ओन इंटरप्राइजेस। कोई शिक्षित व्यक्ति अपना कोई रोजगार खोलना चाहता है, अपना कोई इंटरप्राइज खोलना चाहता है, कोई अपना काम खोलना चाहता है, तो उसको 1 लाख तक का लोन देना, या कोई और अदर एक्टिविटीज करना चाहता है, और कोई व्यापार करना चाहता है, तो उसको 2 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था इसमें की गई। उसके बाद 8th है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो जो बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी, उन पर विशेष फोकस किया गया। स्पेशल मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल जो मेजरमेंट बनाए और विशेष ध्यान दिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, उनके लिए, उसके लिए सब्सिडीज वगैरह दी गई, उसके लिए कुछ रिजर्वेशन, कुछ एरियाज में रिजर्वेशन किया गया जहाँ पर लोगों को ये इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, तो ये बहुत सारी सुविधाएं उन्हें दी गई। उसके बाद 9th प्रोग्राम है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम जो चलाया गया वो 5th 5-year plan के दौरान चलाया गया। 5th 5-year plan कब था? 1947 से 49 तक था, ये आपने पिछले प्लानिंग में पढ़ा था, 1974 से 1979 तक ये 5th 5-year plan चला, तो उसके दौरान ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाया गया। इट कवर्स, उसमें क्या विशेष, किस कौन सी चीज़ों को कवर किया गया, किन पर विशेष फोकस किया गया, वो था प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जैसे प्रौढ़ शिक्षा वगैरह चलाई गई, और रूरल हेल्थ, रूरल हेल्थ के लिए PSC वगैरह बनाए गए, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह बनाए गए, और रूरल वाटर सप्लाई, गांव में पानी की व्यवस्था ठीक हो उस पर फोकस किया गया, रूरल रोड्स, गांव में रोड की व्यवस्था अच्छी हो उस पर फोकस किया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में बिजली पहुंचाई गई, और ये एटसेट्रा, और ये सारे काम इसमें, इस प्लान, इस प्रोग्राम में किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। और उसके बाद 10th है 20 points प्रोग्राम। और 10th जो प्रोग्राम निकाला गवर्नमेंट ने गरीबी को दूर करने का, उसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम, मतलब 20 points पर विशेष ध्यान दिया गया, 20 points पर, उनमें से कुछ पहले भी आ चुके हैं बहुत सारे पॉइंट्स, तो उन्हीं पर विशेष 20 बनाए गए वो प्रोग्राम, 20 programs बनाए गए जिन पर गवर्नमेंट को विशेष फोकस करना था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 14th जनवरी 1982 को ये 20 point प्रोग्राम लॉन्च किया गया, विद द व्यू टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ, 10 points लिखे हैं, 20 points नहीं लिखे जा सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था व्हाइट बोर्ड पे, तो 10 points मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, इन्हें समझ लें। एक तो इरीगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया गया, एक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल शीट्स को बढ़ाया गया, उस पर इंक्रीजमेंट पर उस पर ध्यान दिया गया कि दालें ज़्यादा हों, ऑयल शीट्स ज़्यादा हों, और लैंड सीलिंग पर फोकस किया गया। लैंड सीलिंग आप जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं लैंड सीलिंग क्या होती है, और मिनिमम वेज पर ध्यान दिया गया, मिनिमम वेज, कम से कम मजदूरी क्या तय होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे मिनिमम वेज पर काम करें सब, तो ये इस पर ध्यान, हाउसिंग पर फोकस किया गया, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी पर फोकस किया गया, और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, जो शहर में स्लम्स हैं, स्लम्स कहते हैं जो झोपड़ियाँ वगैरह बनी रहती हैं, थोड़ा स्लम एरिया, तो जो गरीब इलाका होता है जहाँ झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, तो उनके इम्प्रूवमेंट की बात उसमें करी गई, और फैमिली प्लानिंग की बात की गई उसमें, फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया, और प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ पर फोकस किया गया, एजुकेशन पर फोकस किया गया, एटसेट्रा। इन सब 20 points प्रोग्राम था, ये 20 points पर विशेष ध्यान दिया गया, 20 points पर। उसके बाद 11 है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है, आप सभी जानते हैं मनरेगा, ये बहुत पॉपुलर नेम है। तो ये 11th जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए प्रोग्राम रखा गया, वो था मनरेगा। ये सभी जानते हैं, इसमें सबसे पहला काम था 100 डेज का वर्क जो है वो हर आदमी को मिले, जो आदमी काम करना चाहता है। गांव के एरिया में 100 दिन का रोजगार एक फाइनेंशियल ईयर में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो आदमी काम की इच्छा रखता है और काम करने योग्य है उसे। तो वो टारगेट पूरा किया गया अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर 4.6 करोड़ जो लोग हैं उनको काम दिया गया एज ऑन 14 जनवरी 2018 का जो डेटा है वो है इसमें दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग उस फाइनेंशियल ईयर में 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को काम दिया गया। और ये कब लॉन्च हुआ था, 2 फरवरी 2006 को ये लॉन्च हुआ था। मनरेगा जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, स्टार्ट किया 2 फरवरी 2006 से, और 14th जनवरी 2018 का डेटा हमारे पास है। उस करंट ईयर में 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये प्रोग्राम जॉब दे चुका था। उसके बाद लास्ट है इसमें माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जो आपने आजकल नाम सुना होगा मुद्रा बैंक बोलते हैं, तो इसी की फुल फॉर्म है मुद्रा बैंक, इसी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा हो गया बैंक। तो इसमें क्या है, इसमें लोन प्रोवाइड कराया जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना लोन लेना चाहते हैं उन्हें लोन दिया जाता है। और मिनिमम इसकी जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है वो 10 लाख तक दे सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार से भी, द गवर्नमेंट हैज सेट अप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015 में इसे स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। इट्स ऑब्जेक्टिव टू गिव लोन फॉर माइक्रो यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स को, माइक्रो का मतलब छोटी छोटी यूनिट्स को, इंडिविजुअल यूनिट्स को इसमें लोन देने का काम था इसका, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, और जो अपना रोजगार खोलना चाहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को लोन देने का काम इसका है। अप टू 10 लाख पर यूनिट ये लोन दे सकता है मुद्रा बैंक, अप टू 10, यानी कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन ये उन लोगों को दे सकता है जिनको अपने सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम करने के लिए लोन की जरूरत है, छोटी छोटी इकाइयों को। तो इसके साथ ही आज ये पॉवर्टी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है, और ये सारा इसका ये नोट्स तैयार कर लें, अपने स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।